हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी गुरु। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का एमसीक्यू लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और पार्ट 2 में भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। इन विच ईयर वॉज स्टीफन लीकॉक वॉर्न? तो करेक्ट आंसर 1869। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स डिड ही नॉट प्ले इन रियल लाइफ? तो करेक्ट बी लॉयर। 53, वेयर वॉज स्टीफन लीकॉक फ्रॉम? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैनेडा। 54, द सूट द फोटोग्राफर वॉज वियरिंग वॉज ऑफ विच कलर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रे। 55, ऑन विच डे डिड द फोटोग्राफर आस्क द नरेटर टू कम बैक टू टेक हिज फोटो? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सैटरडे। 56, What according to the photographer was the process of putting in new eyebrows on someone's face? Correct answer option number B Delphide। ये जो MCQ है वो with the photographer chapter का है। Okay। 57, What is the mood tone of the essay? तो कॉमिक। ओके, और इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फोटोग्राफ व्हाट इज़ द सॉरी विद द फोटोग्राफर क्या है, ऐसे है, स्पीच है, पोयम है कि क्या है? तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। 58 नंबर, व्हाट डिड द नरेटर से टू द फोटोग्राफर आफ्टर लुकिंग एट द डेवलप फोटोग्राफ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी Is it me? 59, Who is regarded as the most acclaimed English speaking humorist between 1915 to 1922? तो students, इसका correct answer है option number B Stephen Leacock। 60 number देखते हैं, Which medal was named after Stephen Leacock to honor his legacy? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द स्टीफन लीकॉक मेमोरियल मेडल फॉर ह्यूमर। 61, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ विद द फोटोग्राफर? करेक्ट आंसर आयरनी। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रीड बाय द नरेटर वाइल्ड वेटिंग एट द स्टूडियो? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टाइम मैगजीन। 63, हाउ मच टाइम डिड द नरेटर वेट रीडिंग बुक्स बिफोर ही वॉज कॉल्ड इन साइड द रूम बाय द फोटोग्राफर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 आवर। 64, वॉट वॉज द फोटोग्राफर्स ओपिनियन अबाउट द नरेटर्स फेस? ऑप्शन नंबर बी द फेस इज क्वाइट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ द नरेटर वॉज नॉट रिटस्ट इन द फोटो बाय द फोटोग्राफर? करेक्ट आंसर ईयर्स। 66, वॉट अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफर वॉज द process of putting in new ears on someone's face? Correct answer option number C self-fade. Okay. 67, which of the following was not said by the photographer? Correct answer option number D your eyes are quite beautiful. 68, why did the narrator want to want a photograph?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर हिज फ्रेंड्स टू रिमेंबर हिम आफ्टर हिज डेथ। 69 व्हेन डिड द फोटोग्राफर क्लिक द नरेटर्स फोटोग्राफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्हेन द नरेटर गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट। 70 व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द एसे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द नरेटर लीव्स द स्टूडियो विथ टीयर्स इन हिज आइज। 71 हु इज द पोएट एड्रेसिंग इन द पोएम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिज बेस्ट फ्रेंड। 72 इन विच ईयर वॉज जॉन डन बॉर्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1573। 73 क्वेश्चन नंबर टीस मी टू हियर डैश सिंगिंग फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट आंसर मर्मर्स। 74 इन व्हाट कैपेसिटी वॉज जॉन डन एसोसिएटेड विथ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। करेक्ट आंसर प्रीस्ट। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वॉज जॉन डन मोस्ट फेमस फॉर राइटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेटाफिजिकल पोएट्री। 76 राइट डैश थाउजेंड डैश एंड नाइट्स फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग अनअटेनेबल टास्क इज नॉट मेंशन इन द पोएम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी टू कैच अ विल्ड गूस। 78 व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सैरकास्टिक सरकास्टिक्स। 79 नंबर सच ए डैश वर स्वीट फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पिलग्रिमेज। 18 व्हाट काइंड ऑफ टास्क डज द पोएट आस्क द रीडर टू अंडरटेक इन सर्च ऑफ ए वूमेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनअटेनेबल। 81 व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सॉन्ग गो कैच अ फॉलोइंग स्टार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फीमेल फिडेलिटी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। 82 व्हाट इज द रीम स्कीम यूज्ड इन अ जॉन डन्स पोएम। ऑप्शन नंबर डी ए बी डबल सी एंड ट्रिपल डी। ए बी डबल सी एंड ट्रिपल डी। ओके आगे देखते हैं हम। 83 नंबर व्हाट डज मैंड्रेक रूट मीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए माइथोलॉजिकल रूट कनेक्टेड विथ क्राफ्ट। 84 व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार। करेक्ट आंसर फॉल्स आर आई कम टू टू और थ्री। 85 रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज डैश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रियलिस्टिक डेप्रिसिएशंस ऑफ रूरल लाइफ। 86 द पोएम इज अ डैश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ड्रामेटिक डायलॉग। 87 वेयर हैज द पोएट स्टॉप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिटवीन द। 87 वेयर हैज द पोएट स्टॉप्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिटवीन द। आई थिंक हो गया था तो बिटवीन द वुड्स एंड अ फ्रोजन लेक।
ओके नेक्स्ट देखते हैं हम 88 नंबर ओके वेयर डज द ऑनर ऑफ द वुड लाइव करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इन द विलेज 89 व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट डज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर रेफर टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विंटर सोल्स्टिक 90 व्हाट वाज द हॉर्स टू डू आस्क इफ देयर हैज बीन अ मिस्टेक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेक्स द हार्नेस वेल्स 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार 92 विच प्राइज फॉर पोएट्री वॉज वॉन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फोर टाइम्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुलित्जर प्राइज 93 व्हेन वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेम पोएट लॉरेट ऑफ वर्मंट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1961 94 एंड माइल्स टू गो बिफोर आई डैश फिल इन द ब्लैंक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्लीप 95 हाउ डज फ्रॉस्ट बिगिन द पोएम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो 96 हाउ डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब द वुड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लवली डार्क एंड डीप 97 हु इज एकम्पाइनिंग द ट्रेवलर एज मेंशन इन द पोएम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिज लिटल हॉर्स 98 व्हाई डज द ट्रेवलर डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज जर्नी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हैज टू फुलफिल हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 98 विच लाइन इज रिस्पेक्ट इन द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड 100 विच थिंग्स शुड बी कंसिडर टू फेमिलियर्स वन सेल्फ विद द एनवायरमेंट बिफोर अ प्रेजेंटेशन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस मीन्स रूम साइज एंड सिटिंग एकोमोडेशन बी पोडियम एंड माइक्रोफोन एंड सी लाइटिंग एंड वेंटिलेशन तो अब हम थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चन देखकर कंप्लीट करेंगे आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच